हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर सीएसएस ट्यूटोरियल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सीएसएस की तमाम वीडियोस मिलती रहें। अब हमारे पास तीन चीजें हैं, बॉर्डर, मार्जिन एंड पैडिंग। इन तीनों चीजों को आपने समझना है, ठीक है। बॉर्डर किसे किस कहते हैं, मार्जिन और पैडिंग। सबसे पहले हमारे पास बॉर्डर है। बॉर्डर उस हिस्से को कहते हैं जो कि आपके जो कंटेंट को सेपरेट बॉक्स में अलहदा करता है, उसको कहते हैं बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मार्जिन है। मार्जिन जो है वो किसी भी दो बॉक्सेस के दरमियान, एडजेसेंट बॉक्सेस के दरमियान जो स्पेस है उसको मार्जिन कहते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास पैडिंग है। और पैडिंग जो है वो ये वो स्पेस है जो कि आपके कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान है, उसको कहते हैं पैडिंग, ठीक है। तो हम इन तीन चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाइड स्पेस है और वर्टिकल मार्जिन है, ठीक है। आप पैडिंग और मार्जिन को सेट करके अपने जो भी आइटम है उनके दरमियान स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास तीन चीजें हैं, बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग है। सबसे पहले इन तीनों में हम इस वीडियो में बॉर्डर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बॉर्डर क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है, और इसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर में आप बॉर्डर की विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो आप विड्थ, बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप बॉर्डर की वैल्यूज में थिन, मीडियम, थिक है, ठीक है। और इसी तरह आप बॉर्डर विड्थ को पिक्सल में देना चाहते हैं तो पिक्सल में भी दे सकते हैं। और जैसा कि हमारे पास किसी भी कंटेंट के चार साइड होते हैं, ठीक है, तो इस तरह आप चारों साइड की वैल्यूज एक ही में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जिस तरह के बॉर्डर विड्थ है 2 पिक्सल, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, ये जो वैल्यू होगी ये क्लॉक वाइज ऑर्डर में होगी। पहले टॉप की वैल्यू, फिर राइट की, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर का स्टाइल है, ठीक है। आप बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास सॉलिड कलर है। सॉलिड कलर जो है वो एक लाइन होती है, ठीक है। आप बाय डिफॉल्ट आप इसको देख सकें, सॉलिड कलर एक लाइन की शेप में होती है। उसके बाद हमारे पास डॉटेड है। डॉटेड जो है ये बहुत सारे शेप्स की, स्क्वायर शेप की सीरीज होती है, ठीक है। अगर आपका बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल है तो आपका 2 पिक्सल में फिर 2 पिक्सल का स्क्वायर्ड डॉट होगा, उसके बाद 2 पिक्सल का गैप होगा हर डॉट के दरमियान। इसी तरह डैश है। डैश जो है वो डबल लाइन होती है, ठीक है। और इसके अलावा बाय डिफॉल्ट जो है किसी भी एलिमेंट बॉर्डर अप्लाई नहीं होता, आप इस पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप हर बॉर्डर का जो टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट राइट, उसको अलग अलग भी को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह बॉर्डर कलर है, आप बॉर्डर कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर टॉप कलर चेंज कर सकते हैं, राइट कलर, बॉर्डर लेफ्ट और बॉटम। इसी तरह आप एक ही प्रॉपर्टी में चारों डिफाइन करना चाहते हैं तो बॉर्डर कलर, फिर इसी तरह क्लॉकवाइज इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है। तो इसी तरह आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पैडिंग को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ करते हैं। तो मैं यहाँ पर HTML के डॉक्यूमेंट में न्यू एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसके नाम में रखता हूँ बॉर्डर डॉट HTML के नाम से मैं इस फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं अब ओपन करता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर में। टेक्स्ट एडिटर करने के बाद सबसे पहले मैं इसको बेसिक HTML डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद बॉडी में एक H1 में क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर P क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर स्टाइल का टैग में यूज कर लेता हूँ स्टाइलिंग के लिए।
और इसको मैं अपने ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, तो सबसे पहले इसमें मैं हेड इसमें मैं हेडिंग ऐड कर लेता हूँ और इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। सेव। और अब मैं आ जाता हूँ स्टाइल में। ठीक है, यहाँ पर आप H1। ठीक है, सबसे पहले हमने बॉर्डर की विड्थ के बारे में पढ़ा था कि इसकी बॉर्डर बॉर्डर विड्थ, ठीक है, बॉर्डर विड्थ थिन। ठीक है, सेव करके मैं अपने पेज को रीलोड कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास कोई बॉर्डर शो नहीं हो रहा, बाय डिफॉल्ट इसका कोई बॉर्डर शो नहीं होता। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना होता है कि बॉर्डर स्टाइल को आप चूज करेंगे, बॉर्डर स्टाइल, सॉलिड। ठीक है, तो आप पेज को रीलोड करें तो आप देखेंगे इस बार सॉलिड कलर का एक बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहां पर राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट करता हूं और आपको बॉर्डर पैडिंग और मार्जिन के दरमियान जो फर्क है वो वाजे करता हूं। सबसे पहले ये देखिए हमारा कंटेंट है। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको सही समझ आए, पैराग्राफ को रिमूव कर लेता हूँ, पेज को रीलोड कर लेता हूँ। ये हमारा कंटेंट आ गया। ठीक है, इसके पैडिंग जो है, ये कंटेंट और ये बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस है इसको कहते हैं पैडिंग। ठीक है, ये पैडिंग आ जाती है और फिर उसके बाद हमारे पास ये बॉर्डर आ जाता है, बॉर्डर के बाद मार्जिन आ जाती है। अगर हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा पैराग्राफ है, इस हेडिंग के दरमियान और पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस है उसको हम कहेंगे कि ये इसका मार्जिन है। ठीक है, पेज को रीलोड कर, ये दरमियान में ये जो स्पेस है इसको मार्जिन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इन तीनों चीजों की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास बॉर्डर थिन, आप इसको थिक करना चाहते हैं तो थिक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थिक हो गया, मीडियम भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्सल में करना चाहते हैं तो आप 4 पिक्सल में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें 4 पिक्सल। इसी तरह आप मजीद इंक्रीज करना चाहते हैं तो 14 पिक्सल कर लें, ये 14 पिक्सल हो गया। ठीक है, इसी तरह बॉर्डर की विड्थ को क्लॉकवाइज चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल। ठीक है, सेव करें, पेज को रीलोड करें तो ये देखें टॉप पे 2, 3, 4 और 14। ठीक है, इस तरह हमने इसका बॉर्डर जो है वो डिफाइन किया। ठीक है, अब इसको मैं 12 कर ले तो आप देखें आपको फर्क वाजे नजर आएगा, ये 12 पिक्सल, ये 3 पिक्सल, ये 4 पिक्सल और ये 14 पिक्सल। इसी तरह आप बॉर्डर स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको कर लेता हूँ सॉलिड के बाद डॉटेड है, डॉटेड। ठीक है, पेज को रीलोड करो, ये देखें डॉटेड डॉटेड आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा डॉटेड के बाद हमारे पास है डैश। ठीक है, डैश डैश आपको डबल लाइन लगी नजर आएगी। ठीक है, ये देखिए ये डैश डैश फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये था बॉर्डर का स्टाइल। ठीक है, अगर आप बॉर्डर स्टाइल, बाय डिफॉल्ट बॉर्डर स्टाइल जो है वो नन होता है। ठीक है, आप बॉर्डर नहीं चाहते तो बॉर्डर स्टाइल नन करें तो कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको सॉलिड कर लेता हूँ, सॉलिड। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल के बाद हमारे पास था बॉर्डर का कलर। ठीक है, आप बॉर्डर कलर चेंज करना चाहते हैं तो बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं।
पेज को रीलोड करें, देखें रेड कलर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। इसी तरह आप इस पर जो वैल्यू है क्लॉकवाइज चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, रेड जिस तरह मैं अब यहां पर चेंज कर लेता हूं, रेड ब्लू ग्रीन पिंक, ठीक है। अब देखेंगे कि आपका जो बॉर्डर है वो क्लॉकवाइज चेंज हो चुका है, रेड ब्लू ग्रीन पिंक, ठीक है, ये चार अप्लाई हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि आप इसको अलग-अलग अलग-अलग बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बॉर्डर को अलग-अलग अलग-अलग चेंज करना चाहता हूं तो चेंज कर सकता हूं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को मैं, बल्कि इसको मैं रिमूव करता हूं, बॉर्डर टॉप विड्थ, ठीक है। आप बॉर्डर टॉप की विड्थ डिफाइन करना चाहते हैं तो आप डिफाइन कर सकते हैं 7 पिक्सल, ठीक है। पेज को रीलोड करें तो देखें टॉप की जो है वो 7 पिक्सल हो गई है, ठीक है, बाकी जो है सेम है। इस कलर को मैं एक ही रहने देता हूं, पेज को रीलोड कर लो। बाकी देखें आप बॉर्डर का कलर जो विड्थ है वो सेम है, लेकिन टॉप से इसकी विड्थ जो है वो ज्यादा है। इसी तरह बॉर्डर राइट करना चाहते हैं तो राइट कर सकते हैं, ये राइट पे चला गया, ठीक है। इसी तरह बॉटम, ये बॉटम, और इसी तरह लेफ्ट, उसके बाद फिर हमारे पास बॉर्डर का जो स्टाइल है वो भी आप बॉर्डर टॉप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर टॉप स्टाइल सॉलिड, ठीक है, ये देखें टॉप जो है सॉलिड है, बॉटम पे नहीं है। इसी तरह बॉर्डर बॉटम बॉर्डर बॉटम स्टाइल, ठीक है, आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये बॉटम पे आ गया बॉर्डर, ठीक है। इसी तरह आप कलर चेंज करना चाहते हैं, बॉर्डर टॉप कलर रेड, आपका टॉप कलर रेड है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट रेड है, हमने एक कलर दिया। अब इसको चेंज करना चाहते हैं तो ब्लू भी दे सकते हैं, ब्लू, ठीक है। और इन तमाम वैल्यूज को आप एक वैल्यू में देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, बॉर्डर। सबसे पहले आपने इसकी विड्थ डिफाइन करनी है 2 पिक्सल, उसके बाद इसका जो स्टाइल है उसको डिफाइन करना है। मैं इसको सॉलिड कर लेता हूं डॉटेड। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने इसका कलर डिफाइन करना है तो मैं ऑरेंज कर लेता हूं, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज को रिमूव करें, ठीक है, आप एक ही स्टाइल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पेज को रीलोड करें, देखें विड्थ इंक्रीज करना चाहते हैं तो 12 पिक्सल्स डॉटेड ऑरेंज, जो भी आप इसका बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इसको पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी एलिमेंट है आप उन पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इस पर बॉर्डर अप्लाई हो गया है, ठीक है। दोनों पर करना चाहते तो कामा H1, P, H1, पेज को रीलोड करें तो देखें दोनों पर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मजीद आगे पैडिंग या मार्जिन के बारे में बताऊंगा।
तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वो वीडियोस भी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।